मॉर्निंग फ्रेंड्स, जुलाई आप सभी लोग क्लास का समय शुरू हो चुका है। जुलाई आप सभी लोग ताकि क्लास स्टार्ट हो सके। जुलाई आप सभी लोग जल्दी से जुड़िए आप सभी लोग ताकि टेस्ट स्टार्ट हो सके। समय हो चुका है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए ताकि टेस्ट शुरू हो सके। आ जाइए आप सभी लोग। आठ बज चुके हैं। चलिए जुड़ जाइए आप सभी लोग जल्दी से। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। क्लास का समय शुरू हो चुका है। टेस्ट नंबर यानी क्लास 24 है आज। टेस्ट नंबर 24 है आज। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। जल्दी से वीडियो दयाराम मीना जी गुड मॉर्निंग, जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आ जाएं। समय से लोग आते नहीं हैं। चलिए दयाराम मीना जी शेयर कर लीजिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। विशाल पांडे जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार ताकि और भी लोग जुड़ जाएं, तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए कर दिया शेयर आपने दयाराम मीना जी, तो वेरी वेरी मच थैंक यू। विशाल पांडे जी आप भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं क्लास। चलिए टेस्ट नंबर 24 है आज। साइंस से है क्लास, आज साइंस से है। नवरत मीना जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आप भी वीडियो शेयर कर दीजिए एक बार अपने फ्रेंड के साथ, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। विशाल पांडे जी, नवरत मीना जी, क्लास नंबर 24 है आज। चलिए शुरू करते हैं, आशा करता हूँ लोग जुड़ते जाएंगे। तो चलिए वेट कर लेते हैं एक मिनट। क्लास में समय से आ जाए करिए, रोज सुबह 8 बजे, रोज सुबह 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न आया नहीं, आपने आंसर दे दिया नवत मीना जी, वेरी गुड। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, अगर कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे टर्न लेता है, घूमता है, तो वह आपको बताना है बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, या बिल्कुल नहीं झुकता है। नवत मीना जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, वो अंदर की ओर ही झुकता है अपना स्थायित्व बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है नवत मीना जी, दयाराम मीना जी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, अंदर की ओर झुकता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड मॉर्निंग सौरभ मिश्रा जी, विशाल पांडे जी, बहुत अच्छे।
चलिए वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा, उतना ही सिंपल भी है। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। आपको बताना है कि जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, गतिज ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? नहीं नहीं गतिज ऊर्जा नहीं आप मीना जी, गतिज ऊर्जा नहीं, गद्दे की बात हो रही है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, इस कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा, जब रबर के गद्दे की सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, देखे होंगे आप लोग, केयर किए होंगे, तो उसमें स्थिति ऊर्जा के कारण ऐसा होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए वेरी गुड, जवाब सही कर लीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। अच्छा क्वेश्चन है, बताना है कोई नाव डूब जाती है यदि वह पानी हटाएगी। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, घनत्व के बराबर या भार के बराबर? चलिए प्राप्त जवाब दीजिए नवरत मीना जी, दयारा मीना जी, विशाल पांडे जी। वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयतन के बराबर अगर पानी हटाती है तो वह नाव डूब जाती है, अपने आयतन के बराबर यदि पानी हटाएगी तो वह नाव नदी में डूब जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है सौरभ मिश्रा जी, दयारा मीना जी। चलिए विशाल पांडे जी आप भी लिखिए, नवत मीना जी। चलिए वेरी गुड, सभी लोगों का जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास को मैं दोबारा भी रिपीट करता हूँ, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए और दूसरी बार में करेक्ट आंसर देने की कोशिश किया करिए ताकि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, एक किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन अच्छा है, पानी में लोहे की सुई तो डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, आप किस सिद्धांत पर आधारित है, बताना है आपको? चौथे का भी बिल्कुल सही, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही जवाब है दयारा मीना जी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह आधारित है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, तो इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, काम करता है, बिल्कुल सही है जवाब है। सभी लोग जवाब लिख दीजिए प्रॉपर, सौरभ मिश्रा जी, नवत मीना जी, विशाल पांडे जी। चलिए याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वह ताप पूछा जा रहा है, टेम्परेचर, जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, क्या कहलाता है? चलिए बताइए दयारा मीना जी, विशाल पांडे जी, सौरभ मिश्रा जी, नवत मीना जी, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है? वो कहलाता है त्रिक बिंदु, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिक बिंदु कहलाता है, बिल्कुल नहीं नहीं त्रिक बिंदु जवाब सही कर दिया मीना जी, त्रिक बिंदु कहलाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलिएगा नहीं। चलिए वेरी गुड, बाकी इसको भी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट ताकि क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसके तापमान में आपको बताना है क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब कोई द्रव का वाष्पीकरण होता है तो उसके तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ता है? विशाल पांडे जी बताइए, दयारा मीना जी, नवत मीना जी, सौरभ मिश्रा जी एंड बाकी सभी लोग जो देख रहे हैं, पांच का ए या डी, दो दो जवाब दिए हैं नवत मीना जी, एक जवाब लिखिए, सिक्स का डी, घटता है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने पर उसका टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर उसका घटता है, याद रखिएगा दयारा मीना जी, नवत मीना जी, विशाल पांडे जी, सौरभ मिश्रा जी, किसी द्रव का वाष्पीकरण जब होता है तो उसके तापमान जो होता है वो घट जाता है, तो दयारा मीना जी चलिए सही आंसर कर लीजिए, नवत मीना जी, विशाल पांडे जी अभी जवाब लिख दीजिए, सौरभ मिश्रा जी, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं इसका आंसर, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है, बताइए सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट, सेवन का बी, बिल्कुल सही जवाब है,
प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वेरी गुड दयारा मीना जी, वेरी गुड नॉर्थ मीना जी, बाकी सभी लोग भी जवाब दीजिए। आप सभी लोग गलत हो जाता है जवाब तो कोई बात नहीं, फिर ठीक कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। प्रकाश के वेग जो है उसको सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। पवन कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत हमारे चैनल में आपका। पहली बार आए हैं, डेली आए करिए, क्लास का समय रोज सुबह 8 बजे होता है, डेली क्लास का समय रोज सुबह 8 बजे होता है पवन कुमार जी, तो याद रखिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी जुड़कर इस क्लास का लाभ उठाएं। तो चलिए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ पवन कुमार जी। चलिए प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम गैलीलियो नहीं रोमर ने किया था, रोमर ने किया था, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दयारा मीना जी, रोमर ने किया था। प्रकाश का वेग बताया था, सर्वप्रथम प्रकाश में वेग होता है वो रोमर ने बताया था। चलिए वेरी गुड पवन कुमार जी, दयारा मीना जी, नवत मीना जी, आप आंसर सही कर लीजिए। सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, सौरभ मिश्रा जी, विशाल दुबे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। अब यहाँ बात हो रही है माध्यम की, भाई प्रकाश की गति जो है माध्यम में तापमान की जब वृद्धि हो जाती है तो प्रकाश की गति पर क्या इफेक्ट पड़ता है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बताना है आपको, बढ़ती है, सहसा गिर जाती है, वैसी ही रहती है, घटती है, तो 9 का C बिल्कुल सही जवाब है पवन कुमार जी, दयाराम मीना जी, वैसी ही रहती है, नो इफेक्ट, उसकी गति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। माध्यम में तापमान कितना भी कर दीजिए, प्रकाश की गति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वैसी ही रहती है। बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है पवन कुमार जी, नवत मीना जी, दयाराम मीना जी, सौरभ मिश्रा जी, विशाल दुबे जी, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आया जाता है, तो चलिए पढ़ लीजिए एक बार फिर से। सुनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा, बताइए 10 का B बिल्कुल सही जवाब है नवत मीना जी, नौ संचालकों द्वारा सोनार प्रयोग में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड पवन कुमार जी, दयारा मीना जी, नवत मीना जी, बाकी सभी लोग भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब हर व्यक्ति को पता ही हो, इसलिए आप सभी लोग कोशिश किया करिए जवाब देने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब है वेबर होता है। नवत मीना जी, पवन कुमार जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, दयारा मीना जी, आप भी अपना जवाब सही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय फ्लक्स की बात हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब वेबर होता है, याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, आपको बताना है हाइड्रोजन बम के आविष्कारक जो है वो कौन है, किसने विकसित किया, जे रॉबर्ट ऑपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन, वर्नर वान ब्रान, बताइए वर्नर वान ब्रान, बताइए कौन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 का B बिल्कुल सही बात है, एडवर्ड टेलर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दयारा मीना जी, नवत मीना जी, पवन कुमार जी, सौरभ मिश्रा जी, विशाल दुबे जी, आप लोग भी जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का विकसित किया था, हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, लेजर का आविष्कार किसने किया था, बताइए। कुल 7 लोग देख रहे हैं वीडियो को, 3-4 लोग ही जवाब दे रहे हैं, आप लोग भी जवाब दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जवाब देने की कोशिश किया करिए। कृष्ण यादव, सिद्धि यादव, वेलकम, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए तो लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो लेजर का आविष्कार किया था टीएच मेमन ने, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीएच मेमन। विशाल दुबे जी, पवन कुमार जी, नवत मीना जी, जवाब सही कर लीजिए, दयारा मीना जी, कृष्ण यादव जी, लेजर का आविष्कार टीएच मेमन ने किया था। चलिए
जवाब सही कर लीजिए फटाफट आप लोग, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं। सभी का गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं, गलत हो गया तो गलती से इंसान सीखता है पवन कुमार जी, जब गलत ही ना हो तो सीखेंगे क्या हम लोग। चलिए कोशिश तो किए हैं आप लोग जवाब देने का, बहुत अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा लेजर का आविष्कार किसने किया था, टी एच मेमन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं मेन कलर, वो कौन कौन से होते हैं बताइए। पवन जी, दयाराम मीना जी, विशाल दुबे जी, नॉर्थ मीना जी, कृष्णा यादव, सिद्ध यादव, सौरभ मिश्रा जी, बताइए। डी बिल्कुल सही जवाब है, कृष्णा यादव, सिद्ध यादव, पवन कुमार जी, बिल्कुल सही जवाब है, लाल नीला हरा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में जो मुख्य मेन रंग कलर होते हैं वो लाल नीले और हरे ही होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। इस बार सभी का सवाल का जवाब सही आ गया, पवन कुमार जी, विशाल पांडे जी, नरत मीना जी, दयाराम मीना जी, कृष्ण यादव, सिद्धि यादव, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जवाब देंगे तभी तो सही होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है, आपको बताना है इन चारों में से किसका प्रयोग प्रशीतन यानी ठंडा करने के लिए किया जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। यप, यप मींस डी, फ्रियान, बिल्कुल सही बात है, फ्रियान का प्रयोग ही करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रियान, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशीतन के रूप में करते हैं फ्रियान गैस का उपयोग, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का। पवन जी, दयाराम मीना जी, नरत मीना जी, विशाल दुबे जी, आप भी जवाब लिखिए। कृष्णा यादव, सिद्धि यादव जवाब नहीं लिख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है बताइए। ऑप्शंस मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है, ऑप्शंस मैं पढ़ रहा हूँ, वह वायु से हल्की है, उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, वह एक उत्कृष्ट गैस है, या वह जल के अणुओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए आप सभी लोग। तो पवन कुमार जी बिल्कुल सही जवाब है, दयाराम मीना जी, पूजा दुबे जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपका डेली का काम है लेट आती है, चलिए आती तो है, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा दुबे जी, चलिए जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है, वह वायु से हल्की होती है, हीलियम गैस को गुब्बारों में हम लोग इसलिए भरते हैं क्योंकि वह वायु से हल्की होती है, बहुत अच्छा जवाब सभी लोगों का, वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलिए सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा पांडे जी जब भी नहीं आए क्लास में, चलिए, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है, चलिए आपको बताना है यूरेनियम अंततः यानी अंत में किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है बताइए। थोरियम के, रेडियम के, पोलोनियम के, या सीसा के। 17 क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दिया करिए आप लोग आगे। 17 का है थोरियम, नहीं 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 थोरियम नहीं, यूरेनियम अंत में किसके आइसोटोप में बदल जाता है, सीसा के, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, शीशे के आइसोटोप में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर डी। दयाराम मीना जी, पवन कुमार जी, पूजा दुबे जी, विशाल दुबे जी, नरत मीना जी, बिल्कुल सही, शीशे के आइसोटोप में बदल जाता है। चलिए नैतिक यादव, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, सारी की कोई बात नहीं है पवन जी, सारी की कोई बात नहीं है, गलती हो जाता है तो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दोबारा मैं रिपीट करूंगा तो सभी लोग अच्छे से जवाब देंगे। गुड मॉर्निंग सौरभ, नैतिक यादव जी, सौरभ मिश्रा जी, आप भी जवाब दिया करिए। चलिए पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। 18 पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, ताकि वो लोग भी जुड़कर इस टेस्ट का, इस क्लास का लाभ उठाया करें और अपने आने वाले टारगेट के लिए तैयार रहें। चलिए 18 का सी, नहीं 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 18 का सी नहीं, स्पेंसर नहीं, 18 का सी नहीं, स्पेंसर नहीं, जोसेफ अस्पडीन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा आप लोग, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ अस्पडीन ने किया था। चलिए जवाब फटाफट सही कर लीजिए आप सभी लोग, पवन कुमार जी, पूजा दुबे जी, नरत मीना जी, नैतिक यादव एंड नरत मीना, पवन कुमार जी, सभी लोग सही कर लीजिए आंसर, बिल्कुल सही, 18 का डी ही होगा। सौरभ मिश्रा जी, विशाल दुबे जी, आप भी याद कीजिए क्वेश्चन को आंसर सही कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। यूरेनियम विखंडन की बात हो रही है, उसकी सतत प्रक्रिया यानी लगातार प्रक्रिया जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, यानी यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया को लगातार जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है। 19 का सी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है नैतिक यादव जी, दयाराम मीना जी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूट्रॉन की, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही जवाब है पूजा दुबे जी, पवन कुमार जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, बताइए सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन है जे एल बेयर, गैलीलियो, केपलर या कॉपरनिकस। 20 का भी नहीं, गैलीलियो नहीं। सौर प्रणाली की बात हो रही है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी बताइए, कोशिश कीजिए। सौरभ मिश्रा जी गैलीलियो नहीं, सौर प्रणाली की खोज की बात हो रही है। 20 का डी बिल्कुल सही जवाब है पवन कुमार जी, कॉपरनिकस ने किया था, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नैतिक यादव का जवाब आ गया 20 का डी, नॉर्थ मीना जी पवन कुमार का जवाब सही है, दयारा मीना जी बिल्कुल सही, सौरभ मिश्रा जी एंड पूजा दुबे जी आप भी जवाब लिखिए, सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के रासायनिक गुण, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, आपको बताना है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन चार ये नीचे हैं, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान भार पर या परमाणु भार पर। चलिए बताइए पूजा जी, दया मीना जी, नैतिक यादव, नरोत्तम मीना जी, पवन कुमार जी, सौरभ मिश्रा जी, विशाल दुबे जी, सभी लोग बताइए। राधा पांडे जी आज गायब है। 21 का ए बिल्कुल सही जवाब है नैतिक यादव जी, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, किसी तत्व के रासायनिक गुण जो होते हैं वो परमाणु संख्या पर ही निर्भर करते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। नहीं, परमाणु द्रव्यमान पर नहीं, रासायनिक गुण की बात हो रही है नॉर्थ मीना जी, तो याद रखिएगा किसी तत्व के रासायनिक गुण है जो निर्भर करते हैं वो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर सही कर लीजिए आप सभी लोग फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वेरी गुड नवरत् जी, सौरभ मिश्रा जी, नैतिक यादव जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए आप सभी लोग, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, सभी लोगों को पता होगा। फर्मी नहीं। सौरभ मिश्रा जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, नहीं सी भी नहीं, क्यूरी होता है ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी, रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है पवन जी आपका। चलिए दयाराम मीना जी, नैतिक यादव जी, सौरभ मिश्रा जी, सभी लोग जवाब सही कर लीजिए, नवरत् मीना जी का जवाब सही आ गया, पूजा दुबे जी आप गायब होने लगता है, चलिए कोई बात नहीं, तो याद रखिएगा रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी बताइए आप सभी लोग, आप सभी लोग बताइए अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी बताइए। तेईस का डी होगा ऑप्शन नंबर डी, रदरफोर्ड ने किया था ऑप्शन नंबर डी, अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था, याद रखिएगा सभी लोग भूलिएगा नहीं, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने किया था। सौरभ मिश्रा जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, पवन कुमार जी जवाब सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है बताइए फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग,
निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारी कण निर्माण होता है? बताइए, एक्स, गामा, बीटा या अल्फा किरणों के उत्सर्जन से? क्वेश्चन नंबर 24, नैतिक जी, दयाराम जी, पवन जी, सौरभ मिश्रा जी, नरोत्तम मीणा जी, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारी कण निर्माण होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बीटा किरणों के। बिल्कुल सही जवाब है नैतिक यादव जी, बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, बिल्कुल सही। पवन कुमार जी, नरोत्तम मीणा जी, डी नहीं, अल्फा किरणों नहीं, बीटा किरणों, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। दयाराम मीणा जी अभी जवाब सही कर लीजिए, सौरभ मिश्रा जी, चलिए तो याद रखिएगा बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? आपको बताना है कि बीटा किरणें जो होती हैं वो किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं, किस प्रकार का आवेश होता है उन पर। क्वेश्चन नंबर 25, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? 25 का ए, बिल्कुल सही जवाब है नैतिक यादव जी, बिल्कुल सही जवाब है, ऋणात्मक आवेश वहन करती हैं बीटा किरणें, ऋणात्मक आवेश वहन करती हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, नरोत्तम मीणा जी, पवन कुमार जी, नैतिक यादव जी, दयाराम मीणा जी अभी जवाब लिखिए, आप जवाब नहीं लिख रहे हैं, सौरभ मिश्रा जी अभी लिखिए, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? तो ऋणात्मक आवेश वहन करती हैं। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किरण की, श्रवण टेक्निकल जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्लास का समय डेली सुबह 8 बजे होता है, उपस्थित हो जाया कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो लोग भी जुड़कर इस क्लास का, इस टेस्ट का लाभ उठाया करें। सौरभ मिश्रा जी बताइए, निम्नलिखित में किस किरण की वेधन क्षमता अधिक होती है? 26 का बी, बिल्कुल सही जवाब है, 26 का बी बिल्कुल सही जवाब है, सौरभ मिश्रा जी, नैतिक यादव जी बिल्कुल सही जवाब है, 26 का बी, गामा किरणों की वेधन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है, बहुत अधिक होती है गामा किरणों की वेधन क्षमता। चलिए वेरी गुड, अच्छा लगा, पवन कुमार जी, नरोत्तम मीणा जी, सौरभ टेक्निकल जी, दयाराम मीणा जी अभी जवाब लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? श्रवण टेक्निकल जी, नरोत्तम मीणा जी, नैतिक जी, पवन जी, सौरभ मिश्रा जी, पवन कुमार जी, नरोत्तम मीणा जी, दयाराम मीणा जी बताइए। बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आ जा रहा है, कोई बात नहीं। 27 का सी, नहीं, 27 का सी नहीं, सौरभ टेक्निकल जी, सौरभ टेक्निकल जी आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है, उसको अवकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम लोग अवकरण कहते हैं, 27 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा नरोत्तम मीणा जी, सही जवाब सही कर लिया, सौरभ मिश्रा जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है वो अवकरण कहलाती है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अब यहाँ बात हो रही है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, चलिए जवाब दीजिए फटाफट। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? 28 का बी, बिल्कुल सही जवाब है, सौरभ मिश्रा जी, ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है, बिल्कुल सही जवाब है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है, बिल्कुल सही जवाब है सौरभ मिश्रा जी, टेक्निकल जी, नॉर्थ मीना जी जवाब सही कर लीजिए प्लीज, ये नहीं है अभिप्रेरण नहीं, ऑक्सीकरण है, तो जवाब सही कर लीजिए, नैतिक यादव जी अभी जवाब लिखिए, पवन कुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है बताइए, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? चलिए बताइए आप सभी लोग, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, बिल्कुल सही जवाब है सरवान जी, मीथेन गैस होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, याद रखिएगा आप सभी लोग, भूलिएगा नहीं। सौरभ मिश्रा जी, श्रवण टेक्निकल जी बिल्कुल सही जवाब है, नैतिक यादव जी, नरोत्तम मीणा जी अभी जवाब लिखिए, दयाराम मीणा जी लगता है चले गए, पूजा दुबे भी चली गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप
बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बात हो रही है अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 उसे लवण कहते हैं, इस्टर कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं या अम्ल कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब है सौरभ मिश्रा जी आपका, पवन कुमार जी, श्रवण टेक्निकल जी, बिल्कुल सही जवाब है, उसे हम लोग लवण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत अच्छा जवाब, वेरी गुड, एक्सलेंट, अच्छा लगा देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? नहीं पवन जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर नहीं, द्रव्यमान की बात हो रही है, द्रव्यमान की बात हो रही है। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो वो करता है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिए आंसर आप सभी लोग, भूलिएगा नहीं। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर निर्भर करता है। चलिए श्रवण टेक्निकल जी ने आपने जवाब सही कर लिया, सौरभ मिश्रा जी, पवन कुमार जी, नवत मीना जी एंड नैतिक यादव जी, सभी लोग जवाब सही कर लीजिए क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चलिए बताइए, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 32 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है दयारा मीना जी, हाइजेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, बीच में कहीं चले गए थे, चलिए कोई बात नहीं, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। चलिए बिल्कुल सही जवाब है दया जी, श्रवण टेक्निकल जी, सौरभ मिश्रा जी, पवन कुमार जी, चलिए नरत मीना जी अभी जवाब दीजिए, विशाल दुबे जी आए और चले गए, पूजा दुबे भी आई और चली गई, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? बताइए, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर? बताइए, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो वो करती है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए नैतिक यादव, पवन कुमार जी बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो निर्भर करती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करती है। चलिए प्रॉपर जवाब कर लीजिए, नो सारी सर टेक्निकल जी, गलती इंसान से ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के कारण संभारिक का निर्माण होता है? एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण या अल्फा किरण? क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दीजिए आप सभी लोग। निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? बताइए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बीटा किरणों के। ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, याद रखिएगा। फटाफट आंसर लिख दीजिए आप सभी लोग, 34 का सी, बीटा किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ग्रुप नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इस क्वेश्चन को तो मैं ऊपर पढ़ा चुका हूं अभी, तो बताइए, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है यहाँ पे। निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? 35 को जा दीजिए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन को ऊपर पढ़ाया मैंने, बस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दिया गया है। सी बिल्कुल नहीं, एक्स किरण नहीं, नैतिक यादव जी, टेक्निकल जी, सौरभ मिश्रा जी, अल्फा किरण भी नहीं। ऋणात्मक आवेश की बात हो रही है, ऋणात्मक आवेश की बात हो रही है, तो बीटा किरणों पर ऋणात्मक आवेश होता है, अभी ऊपर बताया था मैंने, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, बीटा किरणों पर ऋणात्मक आवेश होता है, बीटा किरणों पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ।
परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है, बता सकते हैं आप लोग। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डी, नहीं डी कहां से आ जाएगा सौरभ मिश्रा जी, 36 का जवाब दीजिए आप। अच्छा 35 को जवाब दे रहे हैं शायद, चलिए 36 जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पवन कुमार जी बी नहीं, बी नहीं, 36 का सी बिल्कुल सही जवाब है नैतिक यादव जी। विखंडन, विखंडन की प्रक्रिया पर सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस पर कार्य करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकों, नाभिक टूटते हैं परमाणु शक्ति संयंत्र में, जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए सौरभ मिश्रा जी अभी जवाब सही कर लीजिए, नवत मीना जी, दयाराम मीना जी, पवन कुमार जी, सौरभ मिश्रा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सूर्य से ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, आपको बताना है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है किस अभिक्रिया से, किस क्रिया के कारण होती है? बताइए रासायनिक अभिक्रिया से, कोयले जलने से, नाभिकीय विखंडन से या नाभिकीय संलयन से? सूर्य से ऊर्जा किस प्रकार उत्सर्जित होती है? 37 का बताइए, 37 का भी नहीं, नहीं कोयला कहां से जलेगा सूर्य पर? नैतिक यादव कोयला कहां से ले जाएंगे सूर्य पर? आकाश मिश्रा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, पहली बार आए हैं, वेरी वेरी थैंक यू। रोज आए के लिए, टेस्ट का समय रोज होता है सुबह 8 बजे, क्लास चलती है रोज सुबह 8 बजे, तो याद रखिएगा। आकाश मिश्रा जी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं, क्लास का लाभ उठाएं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आकाश मिश्रा जी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बिल्कुल दबा लीजिएगा, डेली 8 बजे। चलिए सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित क्यों होती है, कैसे होती है, किसके कारण होती है? तो पवन कुमार जी आपने दो जवाब दिया है सी या डी, तो सी को काटिए, ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय संलयन से उत्सर्जित होती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सौरभ मिश्रा जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, सूर्य से ऊर्जा क्यों उत्सर्जित होती है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। चलिए वेरी गुड, 37 का डी याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? सबको आना चाहिए। पवन कुमार जी ज्वालक नहीं, वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी फ्यूल कहलाते हैं, ईंधन, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ईंधन कहलाते हैं। दयाराम मीना जी आप कहीं चले जा रहे हैं बीच बीच में, पवन कुमार जी, नैतिक यादव, सौरभ मिश्रा जी, श्रवण टेक्निकल जी, नवत मीना जी, विशाल दुबे जी, सभी लोग बताइए। वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं वो उसको ईंधन ही तो कहते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बायोलॉजी से क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? नैतिक यादव, दयाराम मीना जी बताइए, पवन कुमार जी, सौरभ मिश्रा जी, नरक मीना जी बताइए, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 39 का बी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, स्पर्मोलॉजी में पराकर नहीं बीज का अध्ययन करते हैं हम लोग। नैतिक यादव जी वेरी गुड, पवन कुमार जी अभी जवाब सही कर लीजिए, सौरभ मिश्रा जी फलों का नहीं, स्पर्मोलॉजी में, स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। नॉर्थ दयाराम मीना जी, स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन करने का एक वर्ग है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पर्मोलॉजी, एक तरह से डिपार्टमेंट कह सकते हैं, बीजों का अध्ययन करने वाली शाखा को हम स्पर्मोलॉजी, उसका नाम दे दिया गया है स्पर्मोलॉजी, तो याद करिएगा आप, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं। एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एग्रेस्ट्रोलॉजी, नहीं नहीं फसलों का नहीं, घासों का अध्ययन करते हैं, घासों का अध्ययन करते हैं एग्रेस्ट्रोलॉजी, घासों का अध्ययन किया जाता है उसमें,
घासों के अध्ययन करने वाली शाखा को एग्रोस्टोलॉजी का नाम दिया गया है। 40 का ए, चलिए बिल्कुल सही जवाब है नैतिक यादव जी, आपने जवाब सही कर लिया, बाकी सभी लोग भी जवाब सही कर लें। सौरभ मिश्रा जी, नैतिक यादव जी, दयाराम मीणा जी, चलिए पवन कुमार जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है बताइए, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, पीलिया, तपेदिक, चेचक या सभी। बैक्टीरिया से होने वाला कौन रोग है इसमें से, 41, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तपेदिक यानी टीबी। टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से तपेदिक की बीमारी होती है यानी टीबी की बीमारी होती है। चलिए फटाफट आंसर सही कर लीजिए सौरभ मिश्रा जी, नैतिक यादव जी, दयाराम मीणा जी, पवन कुमार जी। तो याद रखिएगा 41 का बी, तपेदिक की बीमारी बैक्टीरिया से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्हें पढ़ना होता है वो अंत तक टिके रहते हैं। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग अंत तक टिके रहते हैं पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका बताइए, उसका क्या नाम दिया गया है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों का क्या नाम दिया गया है, 42 का बी बिल्कुल सही जवाब है, कोर्टिकोलस ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। दया जी, सौरभ मिश्रा जी बहुत अच्छे, नैतिक यादव जी अभी जवाब लिखिए अपना। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कोर्टिकोलस कहलाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है याद रखिएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, आपको बताना है निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। 43, तो कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, बाकी शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में क्लोरोफिल होता है लेकिन कवक में नहीं होता है। फटाफट आंसर सही कर लीजिए आप लोग ताकि याद हो जाए, क्वेश्चन को भी याद कीजिए आंसर को भी याद कीजिए। चलिए बिल्कुल, नैतिक यादव जी, दयाराम मीणा जी, सौरभ मिश्रा जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है बताइए, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका सेक्सी कोल्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सेक्सी कोल्स कहते हैं, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को हम लोग सेक्सी कोल्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए वेरी गुड दयाराम मीणा जी, नैतिक यादव जी अभी अपना जवाब सही कर लिए, सौरभ मिश्रा जी अभी जवाब सही कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने पर लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, वायु मूल कहते हैं, आरोही मूल कहते हैं, स्तंभ मूल कहते हैं या वलयाकार मूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का बी नहीं, आरोही मूल नहीं, नैतिक यादव जी क्वेश्चन सही कीजिए आंसर, 45 का करेक्ट आंसर जो है उसे स्तंभ मूल कहते हैं, स्तंभ मूल के नाम से जानी जाती है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें जो होती हैं वो स्तंभ मूल के नाम से जानी जाती हैं, तो 45 का सी। चलिए फटाफट सौरभ मिश्रा जी अभी जवाब सही कर लीजिए, नैतिक यादव जी, दयाराम मीणा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स में, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते, कभी भी पुष्प नहीं बनते वे पौधे क्या कहलाते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनको क्रिप्टोगेम्स नाम दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते उन्हें क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, सौरभ मिश्रा जी सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं सौरभ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है, सबको पता होगा, सभी लोगों को पता होगा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा फूल किससे उत्पन्न होता है, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं,
संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 47 का सीन नहीं, ड्रोसेरा नहीं, रेफ्लेसिया के द्वारा होता है। रेफ्लेसिया का फूल सबसे बड़ा फूल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नहीं, सी नहीं। पूजा जी आप आती हैं चली जाती हैं, अच्छा नहीं लगता। क्लास में आए करिए तो डेली रहा करिए शुरू से अंत तक। चलिए संसार का सबसे बड़ा पुरुष किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो रेफ्लेसिया का होता है। चलिए वेरी गुड, सभी का जवाब सही हो गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बड़ा पुष्प तो जान गए आप लोग, छोटा पुष्प कौन है बताइए? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? क्वेश्चन नंबर 48। इवनिंग में क्लास टाइम कर दो। चलिए अगर सभी लोग चाहते हैं कि इवनिंग में क्लास टाइम हो जाए तो कर दूंगा मैं। सभी लोग अगर लिख दीजिए यस यस यस, अगर चाहते हैं क्लास शाम में की हो तो, ये सुबह की क्लास शाम में हो, अगर सभी लोग चाहते हैं तो यस 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 लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। शाम को मैं क्लास कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। वैसे भी एक हफ्ते बाद शाम को क्लास चलेगी, सुबह भी चलेगी, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए सिर्फ शाम को ही क्लास चलाऊंगा। एक हफ्ते बाद सुबह शाम दोनों चलेगी। दयाराम मीणा जी आप भी चाहते हैं, नैतिक यादव आप भी चाहते हैं, पूजा दुबे भी चाहती हैं, सौरभ मिश्रा जी आप भी जवाब दीजिए, क्या चाहते हैं शाम में क्लास हो? चलिए तो कल से शाम में क्लास करेंगे हम लोग। सौरभ मिश्रा जी याद रखिएगा, कल से शाम में क्लास होगी, शाम को 6 बजे। पूजा दुबे जी टाइम भी बता दीजिए कब। शाम में कब से क्लास हो? 6 बजे से 7 बजे से? दयाराम मीणा जी बताइए टाइम तो बता दीजिए। पूजा दुबे जी शाम में क्लास कब से होगी? सौरभ मिश्रा जी सुबह भी क्लास चलेगी, चिंता मत कीजिए, 5 बजे। चलिए 5 बजे। नैतिक यादव जी कह रहे हैं 6 बजे। दयाराम मीणा जी कै बजे, कितने बजे? 6 o'clock। पूजा दुबे जी अब लीजिए 6, 5, 8, एक टाइम बताइए भाई आप सभी लोग। शुभम द्विवेदी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 6 बजे कोचिंग जाना होता है भाई, पूजा जी को कोचिंग जाना होता है, थोड़ा उनको फैसिलिटी दीजिए आप सभी लोग। सौरभ मिश्रा जी सुबह में भी क्लास होगी, चिंता मत कीजिए, एक हफ्ते बाद सुबह में भी क्लास होगी, शाम को दोनों को क्लास होगी, तो नो टेंशन नो फिक्र सौरभ मिश्रा जी। पूजा जी को 6 बजे कोचिंग जाना होता है दयाराम मीणा जी। चलिए 7 बजे कर देते हैं। 7 बजे कैसा रहेगा? 7 बजे कैसा रहेगा? सौरभ मिश्रा जी आप नो फिकर नो टेंशन लीजिए, सुबह भी क्लास चलेगी, शाम को भी चलेगी। 7 o'clock, नैतिक यादव जी कह रहे हैं 7 o'clock। दयाराम मीणा जी कितने बजे बताइए? 8 बजे कर दें? सर मॉर्निंग में ही देखिए 6 बजे कर लो। तो पूजा जी सुबह ही कर देते हैं क्लास 8 बजे, क्या दिक्कत है आपको? सुबह 8 बजे क्लास में क्या दिक्कत है आपको बताइए? चलिए कोई बात नहीं, निर्णय कर लीजिए आप लोग, तब करते हैं कल से, आज से तो नहीं संभव है, कल या परसों से टाइम चेंज कर जाएगा। सुबह काम का टाइम होता है, अच्छा काम का टाइम होता है। चलिए संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? चलिए मैं बताऊंगा कब से क्लास होगी, शाम में सभी लोग आ सकते हैं उसमें, मैं एक टाइम बता दूंगा 6 बजे। भैया 6 बजे पूजा जी को तो जाना होता है कोचिंग, 1 से 5 कोई भी टाइम चलेगा, 1 से 5। दयाराम मीणा जी 1 से 5, 8 बजे, 8 बजे ठीक रहेगा? पूजा दुबे जी दयाराम मीणा जी बताइए 8 बजे बताइए सही रहेगा? सौरभ मिश्रा जी कह रहे हैं 8 बजे। पूजा जी दयाराम मीणा जी शाम को 8 बजे सही रहेगा? चलिए 8 बजे सही रहेगा बिल्कुल। चलिए कल से 8 बजे क्लास चलेगी, शाम को दयाराम मीणा जी, पूजा दुबे जी, सौरभ मिश्रा जी, नैतिक यादव जी,
याद रखिएगा, अपने फ्रेंड से भी बोल दीजिएगा, चलिए गुड निर्णय ले लिया आप लोग, बहुत अच्छी बात। चलिए 8 बजे शाम को चलिए। बताइए संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? वो है उल्फिया। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए उल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। चलिए कोई बात नहीं है, 48 का है, बिल्कुल सही जवाब है सौरभ जी। चलिए अपने फ्रेंड से भी बोल लीजिएगा, वो लोग भी चैनल से जुड़े हैं। शुभम द्विवेदी जी आप भी जान लीजिए, कल से क्लास 8 बजे चलेगी शाम को, कल से क्लास 8 बजे शाम को चलेगी, आप लोग याद रखिएगा। अपने फ्रेंड से भी बोल दीजिएगा, वो लोग भी जुड़े चैनल से सब्सक्राइब करें और क्लास का लाभ उठाएं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 49, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? क्वेश्चन नंबर 45, चलिए फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन को, मैं फिर से रिपीट करना है। चलिए थैंक यू, कोई बात नहीं पूजा जी, थैंक यू कोई बात नहीं है। मॉर्निंग में नहीं होगा क्या सर? फिर की कल मॉर्निंग में नहीं होगा द्वारा मीना जी, एक हफ्ते बाद मैं बता रहा हूँ ना, एक हफ्ते बाद मॉर्निंग में भी और शाम में भी होगा। तो कल तो शाम को ही क्लास होगा, मॉर्निंग में नहीं होगा। कल क्लास मॉर्निंग में नहीं होगा, सिर्फ शाम को होगा 8 बजे। एक हफ्ते बाद सुबह शाम दोनों होगा, एक हफ्ते बाद सुबह शाम दोनों होगा। चलिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है बताइए? 49 का सी बिल्कुल सही जवाब है। 49 का सी पुष्प है, जड़ नहीं है जी, पुष्प है, पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग जो है पौधे का वो पुष्प है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद मैं रिपीट करूंगा फिर से ऊपर से लेकर नीचे तक, 1 से लेकर 50 तक फिर से रिपीट करूंगा। चलिए समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? अंकुरण के लिए समानता इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती? अंकुरण की बात हो रही है, जब बीज बोते हैं हम लोग ना तो उसका अंकुरण होता है, तो उसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती? हवा की, ताप की, जल की या प्रकाश की? वेरी इजी क्वेश्चन है डी। आकाश मिश्रा जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में, पहली बार आ रहे हैं, चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको। कल से क्लास शाम को 8 बजे चलेगा आकाश मिश्रा जी, याद रखिएगा कल से क्लास शाम को 8 बजे चलेगा। अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और क्लास का लाभ उठाएं। तो बिल्कुल प्रकाश की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है, अंकुरण के लिए प्रकाश की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही जवाब है दयाल जी, सौरभ मिश्रा जी, आकाश मिश्रा जी, बिल्कुल सही जवाब है अविनाश जी, अविनाश स्टेटस किंग, चलिए स्वागत है आपका हमारे चैनल में अविनाश जी। चलिए काफी लेट आए आप अविनाश स्टेटस किंग जी, कल से क्लास का समय 8 बजे शाम को होगा, याद रखिएगा। तो आप लोग सभी लोग याद रखिएगा, आकाश मिश्रा जी, सौरभ मिश्रा जी। चलिए अब मैं क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन को अब मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। चैनल का नाम एग्जाम गुरुकुल, याद है कल से टेस्ट का समय रोज 8 बजे शाम को होगा, कल से टेस्ट रोज समय रोज शाम को 8 बजे होगा, याद रखिएगा। चलिए रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को फिर से, जो लोग लेट हैं वो लोग देख लें, जो लोग पहले से हैं वो लोग सही सही जवाब लिखें। चलिए कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, आपको बताना है कि जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता है? फर्स्ट है, बिल्कुल सही जवाब है, नहीं नहीं बाहर की ओर नहीं, दयारा मीना जी बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर झुकता है। साइकिल चलाए हैं ना आप जब किसी मोड़ पर जाते हैं तो क्या करते हैं, अंदर की ओर झुकते हैं, लटक जाते हैं थोड़े से, तो फर्स्ट का भी। चलिए पूजा दुबे जी आप भी आंसर सही कर लीजिए, सौरभ मिश्रा जी, अविनाश स्टेटस किंग, दयारा मीना जी, आकाश मिश्रा जी, सभी लोग। चलिए दिस वीडियो इज लेट, लेट नहीं है जी, मैं तो टाइम से आया हूँ, आपके लिए लेट होगा। चलिए फर्स्ट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं, ध्यान दीजिएगा वो गद्दा रबर का है तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ पाया जाता है, इस पदार्थ में क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा नहीं दयाराम मीणा जी, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी, फिर से याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अविनाश स्टेटस की मोह सारी
गलत इंसान से ही होता है। पूजा दुबे जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, उसमें स्थिति ऊर्जा पाई जाती है, स्थिति ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। चलिए अम्मा जी पहले से पता नहीं था तो कोई बात नहीं, कल से क्लास सुबह नहीं शाम को 8 बजे होगी अविनाश जी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। कृष्णा यादव सिद्ध यादव जी आप भी ध्यान दीजिएगा, कल शाम 8 बजे। थर्ड का ये बिल्कुल सही जवाब है, आयतन के बराबर हटाती है तो वह पानी में डूब जाती है नाव। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अविनाश जी अपना जवाब सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। आपसे सिद्धांत पूछा जा रहा है। सौरभ मिश्रा जी बताइए, क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दीजिए सौरभ मिश्रा जी पहले आप, ताकि पता चले किसका जवाब दे रहे हैं। 4 का B आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। दया रमीना जी, पूजा दुबे जी सभी को जवाब लिखिए फटाफट। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे सौरभ जी। सौरभ मिश्रा जी 3 गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ मिश्रा जी आप पीछे चलने लगता है वीडियो के, वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिए ताकि साथ साथ हो जाए। सौरभ मिश्रा जी सभी लोग जवाब दीजिए, अविनाश जी आप भी जवाब दीजिए। वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है। आपको वह ताप बताना है जिस पर बर्फ पानी और वाष्प तीनों संतुलन में रहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग। बिल्कुल त्रिक बिंदु ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। दया रामीना जी, अविनाश जी आप वीडियो पीछे चल रहे हैं, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, वीडियो को पूरा फॉरवर्ड कर लीजिए, साथ में आ जाइए। चलिए पूजा दुबे जी वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या इफेक्ट करेगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने पर, शुभम दुबे जी बिल्कुल सही जवाब है बी, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसके तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। सौरभ मिश्रा जी भी 4थे पे चल रहे हैं। सौरभ मिश्रा जी वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए जल्दी से ताकि साथ हो जाइए। अविनाश जी आप भी वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को आगे की ओर फॉरवर्ड कीजिए ताकि साथ आइए। 6 का D बिल्कुल सही जवाब है, घटेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। दया जी, पूजा जी, सौरभ मिश्रा जी लेफ्ट चल रहे हैं, कोई बात नहीं चलने दीजिए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है बताइए, प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण, बिल्कुल सही जवाब है। दया जी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया बताइए, बताइए पूजा जी, दया रमीना जी, सौरभ मिश्रा जी, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने, रोमर ने किया था, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। चलिए वेरी गुड पूजा जी, दया रमीना जी, सौरभ मिश्रा जी, अविनाश स्टेटस किंग जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभम द्विवेदी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आपको बताना है यदि माध्यम में तापमान वृद्धि हो जाए तो प्रकाश की गति पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ, 5 का B ही होगा अविनाश जी, 5 का B ही होगा। सौरभ मिश्रा जी मैं इस समय 9वां क्वेश्चन पे हूँ। सौरभ मिश्रा जी मैं क्वेश्चन 9 पे हूँ, अब वीडियो को फॉरवर्ड कर दिए ना आप साथ आ जाएंगे, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए आप बिल्कुल साथ आ जाएंगे, पूरा फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो को, या तो फिर बैक करके फिर से यूट्यूब खोलिए या ग्रुप पे आइए, साथ हो जाएंगे। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो क्या होती है वैसी ही रहती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। पूजा जी, दया रामीना जी, नो इफेक्ट, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अविनाश जी कर लिए, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन, सुनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, चलिए अविनाश जी साथ में आ गए, बिल्कुल बताइए अविनाश जी, सुनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, कौन लाता है इसको बताइए। 10 का B नौसेन चालकों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़िएगा नहीं। पूजा जी, दयाराम मीना जी, अविनाश जी बिल्कुल सही जवाब है। सौरभ मिश्रा जी आप साथ आ गए, चलिए सौरभ मिश्रा जी वेरी गुड,
नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? आप क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए आप सभी लोग। पूजा जी, सौरभ जी, अविनाश जी, दयारा मीना जी, शुभम दुबे जी, आप भी दीजिए। चलिए 11 का है, वेबर होता है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब सही है, बिल्कुल बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया बताइए? आकाश मिश्रा जी, बिल्कुल, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया बताइए? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया बताइए? चुंबकीय फ्लक्स का बात हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला नहीं, वेबर होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का बताइए, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? शुभम दुबे जी, क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दिया करिए प्लीज, ताकि पता चले हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। तो एडवर्ड टेलर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपको टेंशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था, सौरभ मिश्रा जी याद रखिएगा आप। चलिए कोई नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अविनाश जी याद कर लीजिए देखकर। चलिए पूजा दुबे जी वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन दया मीना जी वेरी गुड, शुभम दुबे जी, लेजर का आविष्कार किसने किया था बताइए आप सभी लोग? लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था बताइए? टी एच मेमन, बिल्कुल सही जवाब है, टी एच मेमन ने किया था, बिल्कुल सही जवाब है। दयाराम मीना जी, शुभम द्विवेदी जी, सौरभ मिश्रा जी, पूजा द्विवेदी, अभी जवाब लिखिए फटाफट, टी एच मेमन ने किया था, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में जो मेन कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बताइए? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 बताइए अविनाश जी। ग्यारह डी, लाल, नीला, हरा, बिल्कुल सही जवाब है, लाल, नीला और हरा होते हैं। फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग प्रयुक्त होते हैं वो लाल, नीले और हरे होते हैं। चलिए लाल, नीला, पीला नहीं अविनाश जी, याद रखिएगा, लाल, नीला, हरा प्रयुक्त होता है। चलिए कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है, यानी चीजों को ठंडा करने में किया जाता है बताइए? पूजा जी, शुभम मिश्रा जी, शुभम द्विवेदी जी, अविनाश जी, दयारा मीना जी बताइए। 15 का डी, फ्रियान गैस, बिल्कुल सही जवाब है, फ्रियान गैस का उपयोग होता है। कृष्णा जी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी, अरे सॉरी डी, सॉरी डी, फ्रियान का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को भी जोड़ा कीजिए चैनल के साथ आप सभी लोग, ताकि वो लोग भी टेस्ट का लाभ उठाया करें, क्लास का लाभ उठाया करें। बोलिए उनसे सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबा के जुड़ जाएं। चलिए दयारा मीना जी, वो वायु से हल्की होती है, बिल्कुल सही जवाब है दयारा मीना जी। पूजा दुबे जी, आप जवाब नहीं दे रही हैं, चली गई फिर, आपके साथ बहुत प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए टॉप क्वेश्चन बहुत, चलिए वेरी वेरी थैंक यू जी, ऐसे ही टॉप क्वेश्चन लाते रहेंगे मैं, शुभम द्विवेदी जी, आप सभी लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? क्वेश्चन बताइए, दोबारा मुझे रिपीट करने का मकसद यही होता है कि क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से याद कर लें। दोबारा कोई चैनल रिपीट नहीं करता है क्वेश्चन, कोई चैनल दोबारा क्वेश्चन को फिर से रिपीट नहीं करता है पढ़ा के, मैं करता हूँ। बताइए यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो सीसा के, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का, सीसा में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? अविनाश जी सही बोल रहा हूँ मैं, आपने समर्थन किया बिल्कुल, कोई भी चैनल देख लीजिए, कोई चैनल एक बार पढ़ाने के बाद दोबारा रिपीट नहीं करता है, मैं करता हूँ कि ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से अच्छे से याद हो जाए और आप लोग अपने एग्जाम्स में टारगेट पाने में आप लोगों को आसानी मिले। चलिए बताइए पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड का 18 का डी, बिल्कुल सही जवाब है, जोसेफ अस्पडीन ने किया था, बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णा जी, दयारा मीना जी, पूजा दुबे जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए चैनल पे, कहीं जाइए नहीं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है बताइए? फटाफट आंसर बताइए अविनाश जी, 18 का डी, बिल्कुल सही जवाब है। यूरेनियम विखंडन की लगातार प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत पड़ती है?
क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, 19 का सी बिल्कुल सही जवाब है दयाराम मीणा जी, न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है कृष्णा जी, दयाराम मीणा जी, सुवन द्विवेदी जी, अविनाश जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी बताइए, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 20, जे एल वेयर्ड, गैलीलियो, केपलर या कॉपरनिकस, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है दयाराम मीणा जी, कॉपरनिकस ने किया था सौर प्रणाली की खोज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, आपको बताना है किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए वेरी गुड सुवन द्विवेदी जी, बहुत अच्छा, अविनाश जी अभी जवाब दीजिए। 21 का डी, नहीं 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 21 का डी नहीं, परमाणु भार पर नहीं, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा अविनाश जी, ऑप्शन नंबर ए, किसी तत्व के रासायनिक गुण जो होते हैं वो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। तो वेरी गुड दयाराम मीणा जी, कृष्णा जी, अविनाश जी, सुभम द्विवेदी जी, जवाब सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है बताइए, फटाफट बताइए, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। भाई अविनाश जी सारी की बात कोई नहीं है, सारी की कोई बात नहीं है, चलिए जवाब दिया करिए, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है बताइए, सुवन द्विवेदी जी क्यूरी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है, बिल्कुल सही जवाब दयाराम मीणा जी, सुभम जी, कृष्ण यादव जी, अविनाश जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। रदरफोर्ड ने, बिल्कुल सही जवाब है दयाराम मीणा जी, रदरफोर्ड ने किया था अल्फा और बीटा किरणों की खोज, रदरफोर्ड ने किया था, बाकी सभी लोग जवाब फटाफट लिख दीजिए अपना। चलिए याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है बताइए, आप सभी लोग बताइए, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है बताइए। 24 का, बीटा किरणों से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शुभ मिश्रा जी, कृष्णा यादव जी, दयाराम मीणा जी, आप सभी लोग जवाब दीजिए, अविनाश जी। चलिए वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बीटा किरणों किस प्रकार का आवेश वहन करती है, बीटा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है बताइए, बीटा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या कोई नहीं। पच्चीस का है, बिल्कुल सही जवाब है, ऋणात्मक आवेश होता है, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का, बहुत अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, वेधन क्षमता की बात हो रही है, निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है बताइए फटाफट, दयाराम मीणा जी, कृष्ण यादव जी, शुभम द्विवेदी जी, अविनाश जी। 26 का बी, बिल्कुल सही जवाब है गामा किरणों की, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है दया जी, कृष्ण यादव, सिद्धि यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, सुभान द्विवेदी जी, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं। 27 का भी अवकरण कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है अवकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है बताइए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते, नहीं नहीं ऑक्सीकरण कहते हैं, अभिप्रेरण नहीं, कृष्णा जी सही कीजिए आंसर, अभिप्रेरण नहीं ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अविनाश जी, चलिए अविनाश जी अपना जवाब सही कर लीजिए, दयाराम मीणा जी बिल्कुल सही है, चलिए सौरभ मिश्रा जी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है बताइए, सौरभ जी आप भी बताइए, कृष्णा जी, अविनाश जी बिल्कुल सही, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है,
गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? बिल्कुल सही जवाब है, मीथेन गैस होती है। अविनाश जी ऑप्शन नंबर ए, शुभम द्विवेदी जी, दयारा मीना जी, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। सौरभ मिश्रा जी अभी जवाब लिख दीजिए। कृष्णा यादव जी बिल्कुल सही, गोबर गैस में मीथेन गैस ही होती है मुख्यतः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 के जवाब दीजिए, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? बताइए परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? हाँ अविनाश जी ए होगा। चलिए बताइए परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, सौरभ जी, कृष्णा जी, अविनाश जी, शुभम द्विवेदी जी, दयारा मीना जी, 31 का बी, नहीं 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 31 का बी नहीं कृष्णा जी, 31 का सी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर। ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट आंसर कर लीजिए। परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर निर्भर करता है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बताइए? क्वेश्चन नंबर 32 वो हाइजेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। सौरभ मिश्रा जी, शुभम द्विवेदी जी, अविनाश जी, दयारा मीना जी, कृष्णा जी, बिल्कुल सही जवाब है। सौरभ मिश्रा जी जवाब सही कर लीजिए, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? 33 इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन, बिल्कुल न्यूट्रॉन पर नहीं सौरभ जी, न्यूट्रॉन पर नहीं, नहीं नहीं 33 का सही नहीं है आंसर कृष्णा जी, 33 का सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है? चलिए बताइए शुभम जी, कृष्णा जी, दयारा मीना जी, सौरभ मिश्रा जी, अविनाश जी, बताइए निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है? 34 का सी बिल्कुल सही जवाब है, बीटा कणों के उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी फटाफट जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है शुभम द्विवेदी जी, सी ही होगा, बीटा कीड़ों के उत्सर्जन से, बिल्कुल सही जवाब है सौरभ मिश्रा जी। चलिए वेरी गुड सौरभ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इस क्वेश्चन को अभी ऊपर मैं पढ़ाया हूँ, फिर से आ गया है क्वेश्चन, थोड़ा उल्टा करके आ गया है, बताइए बताइए 34 का सी, अरे 35 का बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 35 का बीटा किरण, बिल्कुल सही बात है, बीटा किरण, बीटा किरण। अविनाश जी सर 12 मैथ का भी ऑब्जेक्टिव बताया है ना सुबह, सौरभ मिश्रा जी, अविनाश जी इस समय तो पॉसिबल नहीं है मैथ का बनाना, चलिए भविष्य में अगर होगा तो बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? चलिए बताइए फटाफट आप लोग बताइए। 36 विखंडन पर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या टेंशन हो जाएगा, परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी उसमें नाभिकों का टूटना जारी रहता है। चलिए बहुत अच्छे, दयारा मीना जी, सुभन द्विवेदी जी, कृष्णा जी, सौरभ मिश्रा जी, स्टेटस किंग जी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, आपको बताना है सूर्य से ऊर्जा कैसे उत्सर्जित होती है, बताइए। चलिए सर्वन टेक्निकल जी सी, बिल्कुल सही बात है सर्वन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है कैसे? रासायनिक अभिक्रिया से, कोयले के जलने से, नाभिकीय विखंडन से, या नाभिकीय संलयन से? बिल्कुल सही जवाब है, नाभिकीय संलयन से होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। शुभम द्विवेदी जी बिल्कुल सही जवाब है, सभी लोग जवाब लिखिए। श्रवण टेक्निकल जी, रासायनिक अभिक्रिया से नहीं, रासायनिक अभिक्रिया से नहीं, नाभिकीय संलयन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कराते हैं? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए फटाफट।
चलिए नो सारी श्रवण जी, नो सारी। वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं बताइए? ईंधन, बिल्कुल सही जवाब है, ईंधन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाक से। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शुभम द्विवेदी जी को मजा आ रहा है, चलिए बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। शुभम जी दिल से पढ़िएगा तो बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ने का मजा तभी है जब दिल से पढ़ते हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छे। दया मीना जी बताइए स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए वेरी गुड, एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, बिल्कुल सही जवाब है दया जी, घासों का अध्ययन करते हैं, घासों का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही। कृष्णा जी, श्रवण जी एंड शुभम देवजी जी अपना जवाब सही कर लीजिए, एग्रेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है बताइए? निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग इनमें से कौन है बताइए? पीलिया है, तपेदिक है, चेचक है या सभी? बिल्कुल सही जवाब है तपेदिक। कृष्णा जी बिल्कुल सवाल जवाब सही है, तपेदिक है, बिल्कुल सही जवाब है। दयाराम मीणा जी, श्रवण जी आप भी जवाब दीजिए, स्टेटस किंग आप चले गए लगता है। शुभम जी आप भी जवाब दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं बताइए? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं बताइए? चौतीस, आप फिर पीछे हो गए सौरभ मिश्रा जी, सौरभ मिश्रा जी आप फिर पीछे हो गए। वीडियो को पूरा फुल फॉरवर्ड कीजिए या तो बैक करके फिर से जुड़ जाइए चैनल के साथ। 42 का बी बिल्कुल सही जवाब है, कोर्टिकोलस कहते हैं, बहुत अच्छा जवाब दयाराम मीणा जी, बिल्कुल सही। कृष्णा जी जवाब सही कीजिए, शुभम द्विवेदी जी, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है नीम में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? चलिए फटाफट बताइए जवाब, नीम में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है बताइए? नीम में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? शुभम द्विवेदी जी बताइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले अपने दोस्तों के साथ। कवक में, बिल्कुल सही जवाब है दयाराम मीणा जी, दयाराम मीणा जी बिल्कुल सही जवाब है, कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता है, बिल्कुल सही जवाब। कृष्णा यादव, सिद्ध यादव, सौरभ मिश्रा जी वीडियो को फायर कीजिए, शुभम द्विवेदी जी आप भी जवाब लिखिए, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छी बात, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, उन्हें भी जोड़िए कि जुड़े और टेस्ट का क्लास का लाभ उठाया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? 44 का सी बिल्कुल सही जवाब है, सक्सी कोर्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। शुभम सिद्धि यादव, दयाराम मीणा जी, शुभम जी, सौरभ मिश्रा जी बताइए आप भी, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सक्सी कोर्स कहते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाले मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं बताइए? 45 45 का सी स्तंभ मूल कहलाती हैं, वायु मूल नहीं है। कृष्णा जी, सिद्धि जी याद रखिएगा, स्तंभ मूल कहते हैं उसे, स्तंभ मूल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पौधे जिनमें पुष्प नहीं लगते, कभी भी पुष्प लगते ही नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहते हैं? 46 बताइए दयाराम मीणा जी, कृष्णा यादव, सिद्धि यादव जी, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? 46 का ए बिल्कुल सही जवाब है, क्रिप्टो गेम्स कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है कृष्णा यादव जी, दयाराम मीणा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सौरभ मिश्रा जी काफी पीछे फिर हो गए आप, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपको,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है या संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है, बताइए संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है। 47 का भी बिल्कुल सही जवाब है, रिफ्लेसिया। रिफ्लेसिया ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेसिया का फूल सबसे बड़ा फूल होता है संसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन होता है, दोनों को जान लीजिए आप, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है। 48 का ए उल्फिया, बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णा सिद्धि, बिल्कुल सही जवाब है, संसार का सबसे छोटा पुष्प उल्फिया होता है। दया रमीना जी आप पीछे रह जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है दया रमीना जी, बाकी सभी लोग भी जवाब दीजिए आप लोग। चलिए कल से क्लास 8 बजे चलेगी शाम को, कल से क्लास 8 बजे शाम को चलेगी, आप सभी लोग याद रखिएगा, टाइम को भूलिएगा नहीं, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, वैसे मैं भी इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में। चलिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, तो 49 का बी, नहीं नहीं 49 का बी नहीं, जड़ नहीं, पुष्प है, पुष्प है फूल, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है पुष्प है, बिल्कुल सही जवाब है दयाराम मीना जी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। चलिए जवाब आ गया कृष्णा जी का, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। समानता अंकुरण के लिए जब बीज को हम लोग मिट्टी में बोते हैं तो उस समय अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही जवाब है दयाराम मीना जी। कृष्णा यादव जी बिल्कुल सही जवाब है, कल से शाम को 8 बजे दयाराम मीना जी लिखिए 8 बजे आएंगे शाम को, पूजा दुबे जी के कारण टाइम चेंज करना पड़ रहा है, बताइए दयाराम मीना जी कल 8 बजे शाम को ठीक रहेगा। चलिए इवनिंग में 8 बजे, चलिए दयाराम मीना जी बिल्कुल इवनिंग में 8 बजे, चलिए पक्का हो गया टाइम। कृष्णा जी बाकी सभी लोग, शुभम द्विवेदी जी सभी लोगों को सूचित कर दीजिएगा, सभी लोगों को सूचित कर दीजिएगा कल शाम को 8 बजे क्लास होगी, हर रोज और शाम को 8 बजे। चलिए वेरी गुड, कल सुबह फिर कल शाम को फिर मिलेंगे 8 बजे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।